तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। अभी जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन जो है, ये एक आपका स्मॉल ट्रायंगुलर एपेनोरोसिस होती है जो कि कवर करती है आपको डॉर्सल ऑफ प्रोक्सिमल फैलेंक्स। अगर मैं आपको ये हैंड में दिखाऊं तो ये क्या है, ये मेरा प्रोक्सिमल फैलेंक्स। अब इस प्रोक्सिमल फैलेंक्स के डॉर्सल साइड में एक ट्रायंगुलर एपेनोरोसिस इसको कवर करेगी, तो उस ट्रायंगुलर एपेनोरोसिस को अपन बोल देते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। अब जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन जो होती है, ये आपके एक्सटेंजर कंपार्टमेंट की टेंडन से बनती है, और इसके अंदर जो मेन टेंडन जो रहती है, ये आपकी रहती है एक्सटेंजर डिजिटोरम की। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये आपको एक बीच में सेंटर में आपको मेन टेंडन दिख रही होगी, ये आपकी टेंडन है एक्सटेंजर डिजिटोरम मसल की। अब ये जो एक्सटेंजर डिजिटोरम की जो टेंडन है, ये आपकी क्या करती है, प्रोक्सिमल फैलेंक्स में आके एक्सपेंड हो जाती है और आपके बना लेती हैं डॉर्सल डिजिटोरम एक्सपेंशन। तो अभी अपन ने देखा कि डॉर्सल डिजिटोरम एक्सपेंशन जो है, ये आपका एक ट्रायंगुलर एपेनोरोसिस है। अब ये ट्रायंगल होगा तो इसका एक होगा बेस और दो लेटरल साइड। तो इस डॉर्सल डिजिटोरम एक्सपेंशन का ये जो बेस रहता है, जिसका बेस रहता है प्रोक्सिमली, मतलब इसका बेस जो है नीचे की साइड रहता है, प्रोक्सिमल रहता है, और किसको कवर करता है, ये आपका कवर करता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कौन सा जॉइंट है, ये वाला आपका जॉइंट है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, क्योंकि ये वाली बोन है, ये कौन सी बोन है, ये आपकी है मेटाकार्पल बोन और ये है आपके फेलेंस। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, ये जॉइंट है आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, और ये दोनों, इन दोनों के बीच में इस जॉइंट का अपन बोल देते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। दोनों फेलेंस के बीच में जो जॉइंट है, इसको अपन बोल देते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो यहाँ पर डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन का ये जो बेस है, ये बेस आपका कवर करता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का। देन अपन इसकी बात करते हैं, अब इसका बेस है तो इस बेस के दो कॉर्नर्स भी होंगे, तो इसके जो पोस्टीरियो लेटरल कॉर्नर जो हैं, जो इसके पोस्टीरियो लेटरल कॉर्नर जो होते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के, ये आपके अटैच होते हैं दो मसल की टेंडन से। तो यहाँ पर अगर आप दो मसल देख पा रहे हो, एक मसल होती है लम्ब्रिकल मसल और एक मसल होती है इंट्रोसाई मसल, इन दोनों के टेंडन जो है इसके कॉर्नर में अटैच है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये इसका हो गया बेस। बेस क्या है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को कवर कर रहा है। देन इसका ये जो कॉर्नर है, ये वाले पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर जो होते हैं इस बेस के, इसमें दो मसल की टेंडन जो है ये अटैच हो रही है, एक मसल है लम्ब्रिकल, दूसरी मसल है इंट्रोसाई। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम बताता हूँ। तो इस डायग्राम में ये अपन लेटरल व्यू देख रहे हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन का, ये क्या है, ये आपका पूरा डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन है। देन इसका जो कॉर्नर है, ये पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर है, इस पर दो मसल का इंसर्शन हो रहा है, एक है आपके इंट्रोसाई मसल, दूसरी है नीचे की तरफ लम्ब्रिकल मसल। देन अपन बात करते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट की, तो ये नियर इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे, नियर इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है दो फेलेंस के बीच में, यहाँ पे इंटरफेलेंजियल जॉइंट में ये जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन जो है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक सेंटर स्लिप, अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये सेंटर में जो दिख रहा है, ये क्या, ये है आपके एक सेंटर स्लिप और दो कोलेटरल लेटरल स्लिप। अगर आप ये देख पा रहे हो, टू कोलेटरल लेटरल स्लिप में हो गया डिवाइड और एक सेंटर स्लिप में हो गया। अभी जो सेंट्रल स्लिप जो होता है, ये आपका क्रॉस करता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट को, मतलब कि ये वाले जॉइंट को वो क्रॉस कर जाएगा, और कहाँ पर जाके इसका इंसर्शन होगा, डॉर्सल बेस ऑफ मिडिल फेलेंक्स। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो तो ये क्या है, ये आपका डिस्टल फैलेंक्स, ये है मिडिल फैलेंक्स, ये है प्रोक्सिमल फैलेंक्स। अब जो मिडिल फैलेंक्स जो है, इस पे सेंट्रल स्लिप का जो है जाके हो रहा है इंसर्शन। देन अपन देखते हैं दो कोलेटरल स्लिप। अभी जो दो कोलेटरल स्लिप जो है, ये आपका इंसर्ट होती हैं बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स पे, मतलब इधर से आ रही हैं, और कहाँ पर इंसर्शन इसका दिख रहा है, इसका इंसर्शन दिख रहा है आपका बेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स पे। अभी जो डॉर्सल डिजिटोरम एक्सपेंशन जो होता है, ये आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और इंट्राफेलेंजियल जॉइंट में आपका पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है आपका फाइब्रस कैप्सूल का। अब मैं आपको बताऊं, अब जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है और ये इंट्राफेलेंजियल जॉइंट है, ये दोनों आपको हैं सिनोवियल जॉइंट, और सिनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सिनोवियल जॉइंट जो है एक जॉइंट कैप्सूल से सराउंडेड रहता है, और उसके अंदर क्या रहता है, सिनोवियल फ्लूइड। तो जॉइंट कैप्सूल का पोस्टीरियर वाला पार्ट, जो आप इधर भी देख पा रहे हो, जॉइंट कैप्सूल का पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है कैप्सूल का, वो आपको बना लेता है डॉर्सल डिजिटोरम एक्सपेंशन। पूरा डॉर्सल डिजिटोरम एक्सपेंशन देगा कि ये आपका एक ट्रायंगुलर एपोनोरोसिस है, इसका बेस कवर कर रहा है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का,
और उसके पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर पे क्या अटैच है, इसके पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर पे आपके अटैच है इंट्रोसाई और लम्ब्रिकल मसल, देन नियर पैराक्सिमल फैलेंक्स पे ये सेंट्रल टेंडन और दो कोलेटरल स्लिप में डिवाइड हो रहा है। फिर अपन इस पर बात करते हैं कि इस पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है। तो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पे जो है यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट आ जाता है, तो जितने पॉइंट में मैंने आपको बताए हैं ये उतने ही पॉइंट पे आप उसको लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सफिशियंट पॉइंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। सबसे पहले आप ये लिख देना इसकी डेफिनेशन कि स्मॉल ट्रायंगल एपेनरसिस है जो कि डॉर्सम और पैराक्सिमल फैलेंस को कवर कर रही है। देन उसके बेस के बारे में लिख देना किसको कवर कर रहा है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट को कवर कर रहा है। देन इसके अंदर मेन टेंडन क्या है, वह एक्सटेंसर डिजिटोरम की मेन टेंडन है जो कि इसका सेंट्रल पार्ट आपको ऑक्यूपाई करती है। देन इसके पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर किससे अटैच हो रहे थे, दो मसल से अटैच हो रहे थे, एक इंट्रोसाई और लम्ब्रिकल मसल। अब इसकी अटैचमेंट जो है उसको अपन बोल देते हैं विंग ऑफ टेंडन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये दोनों मसल इसके पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर से अटैच हो रही हैं और एक विंग शेप का, जो है इसमें अपीयरेंस दे रही हैं, विंग ऑफ टेंडन भी बोल देते हैं। फिर नियर पैराक्सिमल फैलेंक्स पे ये डिवाइड हो रहा था सेंट्रल एंड टू कोलेटरल स्लिप में, तो आप सेंट्रल स्लिप का लिख देना क्रॉस और इंसर्शन, देन कोलेटरल स्लिप का लिख देना इंसर्शन। तो ये वाली लाइन लिख देना कि मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट और इंटरफैलेंजियल जॉइंट में जो एक्सपेंजर जो एक्सटेंजर एक्सपेंशन जो है ये आपका डॉर्सम पार्ट बना रहा है आपके फेवरस कैप्सूल पे। और ये वाला ये जो है विश्राम सिंह का डायग्राम है, ये वाला विश्राम सिंह का डायग्राम आपको बना के आना है जिसमें आपको सेंट्रल और दो पैराक्सिमल स्लिप और उसके दोनों कॉर्नर में आपको मसल का अटैचमेंट दिखाना है। अगर आपके मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो दी झोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो अगर आप डायरेक्ट डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन की बुक्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक लगता है, लेकिन मैंने तुम्हें इसको पूरा लाइन वाइज मैंने तुम्हें पॉइंट में इसको बहुत ईजिली वे में समझा दिया और मैंने तुम्हें इसमें यह भी बताया कि इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ तो तुम्हें सारी वीडियो मिलेंगी, मैं सारी वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है एंड कौन सा डायग्राम बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है अपन को लिखना यूनिवर्सिटी एग्जाम ही है। तो मैं मेन फोकस यही रखता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कैसे इसको लिखना है। देन अगर अपन इस पॉइंट में अगर इसको लिखते हैं तो इससे क्या होता है, आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे पॉइंट से, तो जब आप पीजी के लिए जब एमसीक्यूज वगैरह करेंगे तो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।